हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज की सीरीज़ में 1.4 करने वाले हैं। किस चीज़ का? रियल नंबर का। हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट है और इसमें हम लोग क्लास 10th के लिए ये वीडियो है, चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 1.1, 1.2 और 1.3 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसमें भी हम लोग 1.4 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपको इससे पता चल जाएगा कि रिकरिंग नंबर क्या होता है, बाकी सारे नंबर कैसे डिफाइन किए जाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है विदाउट, मतलब कि ज़्यादा इसको परफॉर्म नहीं करना है, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है और बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, ये आपको बताना है। मतलब बिना किसी लॉन्ग डिवीज़न का आपको इसको सारे क्वेश्चनों को देखना है और बोलना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर की थ्योरी में हमने इसे पढ़ा था, मगर शॉर्ट में अभी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ताकि इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ थ्योरी के बारे में हम लोग जान लें। सबसे पहले जानेंगे, हम लोगों को पता है कि रियल नंबर 2 भागों में, रेशनल और इरेशनल, उसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पहले जानेंगे टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग क्या होता है? कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो एक मतलब फाइनाइट पॉइंट के बाद डेसिमल फ्रैक्शन में एकदम एंड हो जाए। मस्ट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ ए डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब जैसे कि आपके पास 1/2 है, अब 1/2 को आप जब डिवाइड करते हो किससे, 5 से, ये 1/2 को डिवाइड करते हो 1 को 2 से, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, अब 1 को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट दे के 5 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा, है ना, पूरी तरीके से 10 टाइम जाएगा और कट जाएगा। इसका मतलब देख रहे हो, इसके बाद ये और जा ही नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि अगर मैं 1/5 लेता हूँ, मतलब 1 को आप 5 से डिवाइड करते हो, तो भी ये 0 लिखोगे तो यहाँ 2 टाइम में पॉइंट के बाद ये कट जाएगा, है ना। तो आप देखते हो कि सिंपल सा कोई भी नंबर नीचे 2 या 5 आने पर आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है डेसिमल के बाद, ये फिक्स पॉइंट में जाकर इंड हो जाता है, इसके बाद आगे ये बढ़ ही नहीं सकता। आप देख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे सभी चीज़ों को, और सीधा हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे, ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। अब देखिए, टर्मिनेटिंग को जानने के बाद हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग को जानेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? अब कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू लिखा रहता है, उसको अगर डिवाइड करते जाओगे तो वो रुकेगा ही नहीं, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। जैसे कि 3.12345 पॉइंट के बाद वो लगातार कंटिन्यू चलता जाएगा। जैसे जैसे अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 3 से, कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, या 9 लिखोगे आपके पास 1 बचेगा, पॉइंट दोगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 टाइम में यहाँ पे 9 लिखोगे आपके पास 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 टाइम में आप 9 लिखोगे यहाँ पे 1। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आ जाएगा, 3.3333, ये चलता जाएगा, ठीक है, कितना ये लगातार चलता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। जब कभी रुकेगा ही नहीं, तो ऐसे नंबरों को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो रुकता ही नहीं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। देखिए, पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से चलता जा रहा है, तो हम लोग इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर रिपीट हो रहा है, जैसे कि पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 3, 3, 3, तो यहाँ पे इसको सिंपल सा आप 3 के ऊपर बार लगा सकते थे, यहाँ पे 3 के ऊपर एक डैश लगा देने पर इसको बार बोलते हैं, और इस तरीके से लगा सकते थे, जो कि हम लोग बोलते हैं क्या, रिपीटिंग डेसिमल में। यहाँ भी 2/11 को जब देखें तो यहाँ पे 18, 18, 18 ये चलता जाएगा रिपीटिंग डेसिमल के, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो एक पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ये चलता जाता है, ठीक है, आप समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब रिकरिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, रिकरिंग क्या होता है? एक पॉइंट के बाद जब आप फिक्स, जिसको रिपीटिंग अभी मैंने बोला ना, रिपीटिंग होता है, एक पॉइंट के बाद ये फिक्स नंबर रिपीट होते जाता है, रिपीट होते जाता है, उसे हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर आर दोज नंबर दैट कीप ऑन रिपीटिंग, मैंने बोला रिपीटिंग द सेम वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सेम वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 18 है,
18 सेम वैल्यू जो है ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो जब ये सेम वैल्यू रिपीट होता जाएगा तो आप इसको रिकरिंग बोलोगे, या रिपीटिंग डेसिमल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। एक फिक्स पॉइंट के बाद फिक्स नंबर वो रिपीट होता चला जाता है। ओके, आप जान गए रिकरिंग क्या होता है या रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नॉन रिकरिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग भी, मतलब ये रिपीट नहीं होगा दोबारा। जैसे नॉन रिकरिंग नंबर आर दोज इन मैथमेटिक्स दैट डू नॉट रिपीट। मैंने बोला डू नॉट रिपीट मतलब कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसे 0.333 जो आया था ना, वो 0.333 आपका होगा ही नहीं, ये पॉइंट के बाद आप चलता जाएगा चलता जाएगा, ये 0.3 आपका नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बातों को। तो इस तरीके से जैसे कि 0.12 12 12, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा दो नंबर, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक फिक्स नंबर आपका रिपीट होता चला जाएगा। इसे आप लोग बोलते हो रिपीटिंग, मगर यहाँ पर देख रहे हो आप कि नॉन रिकरिंग में, जिसे नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, क्या नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं, कभी ये रिपीट नहीं होगा। जैसे कि पाई, पाई का वैल्यू 3.14159263 इस तरह से चलता जाएगा। जैसे कि रूट टू, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर को हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है ना वो इरेशनल नंबर भी होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया, ये छोटे छोटे पॉइंट थे। अब इन्हीं बेसिस पर, इन्हीं पॉइंटों को लेकर, इन्हीं सब डेफिनेशन को लेकर हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.4 जो है वन में चलते हैं, 1.4 एक्सरसाइज जो है आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को जाने से पहले मैं थोड़ा सा और जानकारी आपको दे देता हूँ। कोई भी नंबर लीजिए, मान लेते हैं ए एक नंबर है, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, वन से डिवाइड कीजिए, दो से डिवाइड कीजिए, तीन चार यहाँ पे फोर लिखते हैं, पाँच छः सात आठ नौ, नौ तक जनरली डिवाइड करते हैं। तो आपको पता चलेगा ए की जगह क्या लेते हैं, मान लेते हैं 10। आप कोई भी नंबर ले लेना, मैं इसे पूरा समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। जब 10 को आप डिवाइड करोगे 1 से, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये पूरी तरीके से 10 डिवाइड हो जाता है ना 1 से, 10 टाइम में ये डिवाइड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये डिवाइड हो जाएगा। 10 को डिवाइड करो आप 2 से, जब 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये भी पूरी तरीके से 5 टाइम में डिवाइड हो जाता है ना, बिल्कुल। मतलब 2 अगर आप नीचे लिखते हो, इसको क्या लिखोगे, 10/2। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, 10/1, तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अगर 10 को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था 10/3 लिखते हो तो क्या पूरी तरीके से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये 3 बार में जाएगा और 1/3 आ जाएगा, फिर ये 10 मतलब कि आपके पास 3.3333 इस तरीके से आता चला जाएगा। अब 10 को डिवाइड करो आप 4 से, ये डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 10 को आप 4 से जब डिवाइड करते हो, दो टाइम में 8 जाएगा, बचेगा माइनस होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट दोगे तो 0 आएगा, और 5 टाइम में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे 10/4 करोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5। ये फिक्स हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब इसके बाद और नहीं ये पॉइंट में आगे और नहीं बढ़ेगा, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 को आप 5 से डिवाइड करो तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, 10/5 = 2 आएगा, इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ेगा। अब 10 को आप 6 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम में तो चला जाएगा, 10/6 अगर करोगे तो 1 टाइम में चला जाएगा, यहाँ पे 4/6 बचेगा। अगर 2 टाइम में काट दोगे और इसको 3 में, तो 1 2/3 आ जाएगा, जिसको आप आसानी से 1.6666, ये मतलब कि आपका रिपीटिंग आ रहा है और चलता जाएगा, ये चलता जा रहा है ना, तो ये रुकेगा नहीं, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, ये भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि ये टर्मिनेटिंग दोनों नहीं हो रहा है। अब 10 को डिवाइड करो 7 से, तो ये भी आप देखोगे कि एक फिक्स पॉइंट के बाद, जैसे कि 10/7 जैसे ही करोगे तो 1 टाइम में जाएगा, 3/7 बचेगा, मतलब 1 पॉइंट, फिर कितना, 4 टाइम में 28 होता है, तो 4 पॉइंट यहाँ पे ये चलता जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। 10 को डिवाइड करो आप 8 से,
10 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, 1.25 में कट जाएगा, मतलब ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो रहा है। 10 को डिवाइड करो 9 से, 9 को जब आप डिवाइड करते हो तो आप कितना टाइम है, 1 1 बाई 9 आ जाएगा, और ये भी चलता जाएगा एक फिक्स पॉइंट के बाद, 1 के बाद पॉइंट के बाद फिक्स पॉइंट में चलता जाएगा, क्योंकि आप 9 को 3 × 3 भी तो लिखते हो ना, 3 × 3 9 होता है ना, तो यहाँ 3 नहीं रुका तो 9 भी नहीं रुकेगा। तो आपने देखा कि अगर नीचे 1 रहता है तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है, नीचे 2 रहता है तो भी टर्मिनेटिंग हो रहा है, नीचे 4 रहता है तो भी आपका टर्मिनेटिंग हो रहा है। मगर यहाँ पे एक बात आप जानते हो क्या, 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, इसका मतलब आप इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। तो नीचे आकर 2 का स्क्वायर रहेगा तो टर्मिनेटिंग मतलब कि ये जो 4 है आपका वो इसी सेक्शन में आ जाएगा, 2 वाला सेक्शन में आ जाएगा। 5 अगर लिखते हो तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है ना, 5 अगर नीचे रहता है डिनोमिनेटर में तो ये भी टर्मिनेटिंग आपका हो जाता है, ठीक है। 6 रहता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, 7 होता है तो भी टर्मिनेटिंग नहीं होता है, 8 होता है तो टर्मिनेटिंग हो जाता है। मगर आप 8 को बताओ, 8 को कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बॉक्स में बता दे रहा हूँ। 8 बराबर आप 2 × 2 × 2 लिख सकते हो क्या, 3 बार, मतलब कि 2 का पावर 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। जब ऐसा आपने लिख दिया इसका मतलब 8 जो है वो भी आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा, किस कैटेगरी में, डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे 2 का पावर n के कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद आप जब 9 लिखे तो 9 में भी आपने देखा कि 3 का पावर² होता है, इसका मतलब ये भी एक पॉइंट के बाद चलता जा रहा है तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है। तो फिक्स कंडीशन में टर्मिनेटिंग आपको 2 ही को दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर में 2 का पावर n, जैसे कि 4, जैसे कि 8, ठीक है। ये दोनों क्या क्या हो गया, एक हो गया 2, एक हो गया आपका 4, एक हो गया आपका 5, एक हो गया आपका 8, है ना, इसके अलावा कोई और है क्या, नहीं। तो 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हो, मतलब 2 का पावर n, और यहाँ पे 5 जब नीचे था आपका तो 5 का पावर m यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मान लेते हैं कोई पावर आ गया, तो नीचे 2 वो नंबर आपके पास अगर रहेगा ना तो ये फिक्स टर्मिनेटिंग हो जाता है, इसके अलावा कोई भी नंबर आप लिखते हो तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ये कटता ही नहीं है। आप बोलोगे कि सर आपने 10 लेकर तो चेक कर लिया, आप 9 लेकर चेक करो, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया, ठीक है कोई और नंबर ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं 9, तो ये 9 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, चलिए ठीक है 3 से, 9 को आप 1 से डिवाइड करके देखो, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम में, 9 को आप 2 से डिवाइड करके देखो, ये 4.5 में आ जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, यहाँ भी टर्मिनेटिंग हुआ, मैं बता रहा हूँ ये टर्मिनेटिंग हुआ, मगर हम इसको नहीं मानेंगे, क्यों। 9 को आप 5 में डिवाइड करके देखो कितना टाइम में जाएगा, 9 एक बार में चला जाएगा, फिर बचेगा 0.8 आ जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब 9 को आप 4 बार में लेकर देखो, क्या ये जाएगा टर्मिनेटिंग, बिल्कुल हो जाएगा, आप डिवाइड करके देखो ना, क्योंकि 2 का पावर² है ना, 9 को 2 बार में 8 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, 0.2 आएगा, फिर 10/4 हो गया, तो यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम में यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर कितना बार में जाएगा, 20 कितना बार में, 5 बार में जाएगा, ये भी आपका टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग आपका 2 × 2 ही होता है, मतलब 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 होगा, मैंने n लिखा, 2 हो सकता है या n के जगह आप कुछ भी नंबर आ सकता है। तो आप देखोगे कि 3 में भी यहाँ पे आपका तो टर्मिनेटिंग हो गया सर, आपने इसे बोला था कि कोई भी नंबर 2 और 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई भी नंबर अगर उसका फैक्टर करोगे और वो प्राइम फैक्टरों में टूट जाता है या उसको टर्मिनेटिंग कर देता है तो कुछ नंबर वैसे हो सकता है, मगर सभी नंबरों में ये 3 को आप अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि ऊपर आप कोई भी नंबर लिख दो ऊपर और मतलब कोई भी नंबर लिख दो और नीचे 2 का पावर n और 5 का पावर m, मतलब 2 और 5 अगर नीचे रहेगा तो वो बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। इसके अलावा ऊपर में कोई भी नंबर लिखोगे तो 2 और 5 में आपका टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा ऊपर कोई भी नंबर लिखोगे और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आप 3 लिखोगे तो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 7 लिखोगे तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 8 अगर लिखते हो तो 8 तो क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है ना, तो 8 तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप 5 लिखते हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा कोई भी नंबर ऊपर लिखने पर। मेरा कहने का मतलब ये है सिंपली कि n डिवाइड बाय 2 का पावर n, यहाँ पे मान लेते कोई नंबर p लेते हैं, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m लेते हो, इसके अलावा कोई भी नंबर आप इसमें लोगे ना तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा,
टर्मिनेटिंग ये होगा यहाँ पे इसको, इसके अलावा कोई नंबर लेगो, जैसे पी है नीचे आप 3 लोगे और ऊपर कोई भी नंबर ले लोगे तो आपका टर्मिनेटिंग पॉसिबल है, हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं हो सकता। पी के जगह 9 ले लोगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, पी के जगह 1 लोगे तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, समझ गए कि टर्मिनेटिंग कैसे बोलोगे और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बोलोगे। बिल्कुल, डिनोमिनेटर में अगर आपका 2 और 5 आता है तो आप क्या बोल दोगे, टर्मिनेटिंग बोल दोगे। अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है तो आप क्या बोल दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोल दोगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, मतलब किस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1। 3125 को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे इसका। चलिए मैं फैक्टर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले लिखता हूँ 3125, लिख दिया। इसको किससे काटा जा सकता है, 1.1 में मैंने बताया था, अगर इंड डिजिट लास्ट वाला अगर इवेन नंबर है ना, अगर कोई भी नंबर आप लिखते हो और लास्ट वाला आपका अगर इवेन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड चला जाएगा 2 से। अगर ये ऑड है तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं होगा 2 से, ये होगा ये नहीं होगा। और लास्ट में अगर आपके यूनिट डिजिट में आपके पास 0 या तो 5 है तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हो दोनों में, है ना। ठीक है, 3 से भी डिवाइड का रूल बताया था, तो इसको और मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ, 3125 को किससे डिवाइड किया जा सकता है, 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 625 आएगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 125 आएगा, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो लास्ट में 5 तो आ गया हमारे पास। इन सभी को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, कितने 5 है, 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो आपके पास 5 को 5 बार गुना करेंगे जो कि 5 का पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को 3125 को 5 का पावर 5 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 13/3125 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/3125 इक्वल टू आप लिख सकते हो सिंपली 13/5, 13/5 आप आसानी से ये लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या, अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगर नीचे 5 या 2 दोनों में से कोई हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि एक डेसिमल के बाद वो और नहीं कटता, एक फिक्स डेसिमल के बाद वो रुक जाता है। तो इसको आप क्या बोल दोगे, टर्मिनेटिंग बोलोगे या नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे। नीचे 5 आ गया, अब इस 5 के जगह पे आपको एक बात मैं बता दूँ, अगर 2 का पावर 0 होता है ना तो इसका मतलब 1 होगा। अब 3125 को अगर आप मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, 3125 ही रहेगा। बात समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 है इंटू 2 का पावर अगर 0 करते हो, इसका मतलब 5 का पावर 5 इंटू 1 करोगे तो कोई चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज आपका नहीं होने वाला है। जब यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है तो सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं। जब यहाँ पे इसको लिख दिए तो आप बोल दोगे कि नीचे आपका जो है 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में आ गया, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर फॉर्म किस में है, 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0, हैंस द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक, समझ गए बात को, कैसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा, टर्मिनेटिंग आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमने जान लिया कि टर्मिनेटिंग कैसे बोलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे होगा आइए देखते हैं। 1/8, अब मैंने सिंपली आपको 8 को डिवाइड करके भी बोला था कि ये 2 का पावर कितना होता है, 3 होता है। चलिए 8 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे लास्ट में 4 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। यहाँ पे 2 × 2 × 2 हो जाएगा किसका, 8 का प्रोडक्ट, जो कि 2 का पावर 3 के रूप में आप लिख सकते हो। इसी चीज़ को हम लोग सिंपली लिखेंगे 1/8 बराबर 1/2 का पावर 3। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी अगर मैंने अभी अभी बोला 2 का पावर 0 लिखोगे तो 1 आएगा, सिंपली कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 3 लिख दिए, बराबर यहाँ पे बोल सकते हैं 13/5 का पावर 0 × 2 का पावर 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पे 3 लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 0 हो गया है, 3 आ जाएगा यहाँ पे।
सिंपली। तो इसको किस फॉर्म में आ गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया, जो मतलब टर्मिनेटिंग में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग में आया। मैंने बोला कि नीचे अगर 2 और 5 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग बोलोगे। तो डिनोमिनेटर फॉर्म किस में, 5 का पावर 0 × 2 का पावर 3, तो इसको सिंपली बोल दोगे 1/8 जो है आपका डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में, किताब वाला क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 7 है तो घबराने की बात नहीं, ये 17 भी ऊपर अगर आप लिखते हो ना तो भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ऊपर कोई भी नंबर रहे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करके चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। 455 लिख दिया, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना टाइम में जाएगा आप देखोगे, यहाँ पे 91 में चला गया, फिर 91 को 7 में 13 टाइम में कट जाएगा। तो आप इसका प्रोडक्ट देखोगे 5 × 7 × 13 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ये तो पावर में है ही नहीं। तो मैंने बोला कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो 64/455 को आप लिखोगे इक्वल करके 64/5, 7 × 13। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद आपके पास, आपको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 5 का पावर n × 5 2 का पावर m के फॉर्म में नहीं है। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ पे नॉट द फॉर्म 2 का पावर m और 5 का पावर n, एंड इट ऑल्सो कंटेन 7 एंड 13। ये 7 और 13 को साथ में लेकर चल रहा है, ठीक है, जो कि इसका फैक्टर है। तो आप क्या बोल दोगे, ये डेसिमल एक्सप्रेशन विल नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग में नहीं होगा ना, नॉट टर्मिनेटिंग होगा, मगर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यहाँ पे ये डेसिमल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पॉसिबल है होने का। ठीक है, समझ गया, क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है, किसका, 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, चलिए ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, 5/1600। अब इसको 1600 को हम लोग तोड़ देंगे सिंपली। इसको कैसे तोड़ना है आप खुद से एक बार तोड़ के यहाँ पे चेक करो। आपसे एक क्वेश्चन तो होना चाहिए, इसको कैसे तोड़ा जाता है ये तो पता होगा ही आपको। अगर नहीं पता, चलिए ठीक है, मैं ही आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। नॉर्मली आप यहाँ पे 1600 लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसका आधा है ना, इसका आधा ही आएगा ना। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 400। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। सिंपल था, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा था, मगर अभी चलो मैं बता ही देता हूँ, जब मैंने इतना बता ही दिया है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आ गया 2 2 का पावर 6, और 5 कितना बार आया, 2 2 बार, मतलब 5 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपली 2 का पावर 6 × 5 का पावर स्क्वायर में लिख देंगे। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 2 का पावर n × 5 का पावर m के फॉर्म में आ गया। अगर डिनोमिनेटर में ये आ जाता है तो आप क्या बोल दोगे कि वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ ए 5 का पावर 2 और 6 का पावर, कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली बोलना आप कि 2 का पावर यहाँ पे 6 है और 5 का पावर यहाँ पे 2 है। ओके, तो आसानी से इसको बोल सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होगा आपका। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिवाइड करते हैं 343 को किसे, 7 टाइम में, कितना बार में, 49 में जाएगा। अब यहाँ पे 7 को फिर से 7 7 49 होता है, मतलब 7 का 3 प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे 7 × 7 × 7 = 7 का 3 पावर में आ जाएगा। तो इसको 29/343 लिखेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 7 का पावर 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो आप उसे टर्मिनेटिंग नहीं बोलोगे। टर्मिनेटिंग अगर नहीं बोलोगे तो या आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सिंपली ये फॉर्म में नहीं है 2m × 5n के, तो ये कंटेन कर रहा है अपने साथ में 7, एक जो कि फैक्टर है उसका, किसका, 343 का। तो आप इसे सिंपली बोल दोगे कि ये आपका नहीं है, क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको पूछा है क्वेश्चन में, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दोगे। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। नीचे आप देखोगे कि क्वेश्चन में ही आपका 2 का पावर 3 और 5 का पावर, मतलब 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। जब ये क्वेश्चन में ही ऑलरेडी है तो हमें कुछ और चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस हम लोग इसको फॉर्म में लिख देंगे, द डिनोमिनेटर इज़ द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तो 23 डिवाइड बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर स्क्वायर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये एक्सप्रेस किस में हो रहा है? टर्मिनेटिंग में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। नीचे आपके पास देखो 2 और 5 तो है, साथ में 7 है, इसका मतलब कोई भी 2 और 5 के अलावा आएगा तो आप उसे टर्मिनेटिंग नहीं बोलोगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आप नहीं बोलते हो तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल दोगे। तो आप बोल दोगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n एंड इट ऑल्सो हैज ए 7 एज इट्स फैक्टर, द डेसिमल एक्सप्रेशन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 6/15। अब 6/15 को कैसे लिख सकते हो? 6 को 2 भाग में तोड़ सकते हो, 3 इंटू 2, और 15 को 3 इंटू 5 में आप यहाँ पे तोड़ सकते हो। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे कोई नंबर मिल जाता है तो कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा? 2/5 बचेगा। अब 2/5 मतलब 5 अकेले है, 5 अकेले का मतलब होता है 5 का पावर 1 होता है। नीचे आपके पास यहाँ पे 2 का पावर अगर 0 मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी कोई असर नहीं होगा, तो ये कौन सा फॉर्म में है? डिनोमिनेटर आपका 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0 के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर में 5 और 2 है तो आप इसे क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग बोलोगे, है ना? तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिंपली आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। इसको आप तोड़ोगे तो 7 इंटू 5 आ जाएगा 35, और 50 को 10 इंटू 5, ये 5 ऊपर और नीचे कट जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 7/10, और 10 को आप 2 इंटू 5 में लिख सकते हो। 2 इंटू 5 जो होता है इसका पावर 1 1 है, मतलब m और n की जगह 1 1 है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन में आ जाएगा? मतलब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 फॉर्म में है तो इसको आप टर्मिनेटिंग बोल दोगे सिंपल सा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 रहने पर इसे टर्मिनेटिंग बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 77/210 है, 210 है। इसको आप किससे काट सकते हो? 11 टाइप में काट सकते हो, 7 इंटू 11 या 21 इंटू 10 बोल सकते हो। चलिए ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब आगे देखो, ये 7 और 21 इसको 3 टाइम में काटा जा सकता है क्या? इसको काटोगे ना तो ये 3 टाइम में कट भी जाएगा आपका, है ना? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक्सपेंड कर दिया, 7 कट जाएगा। तो आप देखोगे 2 और 5 तो है, इसके साथ 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो आप अब 3 अगर आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे, है ना? नीचे आपका 3 आ गया, तो सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ ए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इट इज़ ऑल्सो हैज ए 3, 2 एंड 5 एज इट्स फैक्टर, द डेसिमल एक्सप्रेशन इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिफीडिंग। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया। 10 क्वेश्चनों को कम्प्लीट करने के बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए 2 रेशनल नंबर इन ए क्वेश्चन 1 अबव विच हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब ऊपर जितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है उसको आपको पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो जो है उसको डेसिमल एक्सपेंड करना, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख देना है। जैसे 1/2 अगर आपके पास कोई नंबर ऊपर है तो उसको 0.5 में लिखना है, जैसे 1/8 आपके पास कोई नंबर है तो इसको 0.125 में इसको एक्सप्रेस कर देना है, लिख देना है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, मतलब डेसिमल कितना नंबर तक जा रहा है। टर्मिनेटिंग को बोला है, ठीक है, सिर्फ टर्मिनेटिंग को बोला है। नॉन टर्मिनेटिंग को बोलता तो पॉइंट के बाद तो हम लोग कितना भी लिखते जाते वो इंड होता ही नहीं ना, इसीलिए सिर्फ ये टर्मिनेटिंग को बोला है। मतलब टर्मिनेटिंग क्या है? एक फिक्स पॉइंट के बाद जो इंड हो जाता है उसे आप टर्मिनेटिंग बोलते हो, है ना? सिंपली ओके, तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, कितने टर्मिनेटिंग होंगे इस 10 क्वेश्चनों में देखते हैं। हमने चेक किया था कि टर्मिनेटिंग कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 टर्मिनेटिंग हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। 2 भी हुआ था, 3 नहीं हुआ था, 4 हुआ था, 6 हुआ था, 8 हुआ था और 9 हुआ था। इतने सारे जो है आपका टर्मिनेटिंग है। अब इन टर्मिनेटिंग को डेसिमल में लिख देंगे और हम लोग, और सिंपली मैं बताऊंगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो टर्मिनेटिंग में लिखने के लिए आपको करना क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आपको लिखना है ना तो 3, 1, 2, 5 को आपको 13 से डिवाइड करना होगा। आप बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर सिर्फ छोटा नंबर 13 से डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा
लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मांसपेशी होगा, मगर घबराओ मत, मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करने का, डोंट वरी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों को मिला क्या था, 13/5 मिला था, है ना। तो देखो 5 का पावर 5 है, अगर 5 को आप किसी नंबर से गुना करते हो तो 10 आएगा। किस नंबर से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे। अगर यहाँ पे आपके पास 5 का पावर स्क्वायर है, मतलब आपके पास 5 × 5 है, अब यहाँ पे 2 को 5 है आपके पास गुना में, और 1 2 से गुना करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 × 5, आप इसे लिख सकते हो। अगर फिर से मैं इसको 10 × 5 को अगर 2 से गुना कर दूंगा तो 10 × 10 लिख सकते हो, मतलब ये 100 लिख सकते हो। इसका मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो 5 का पावर स्क्वायर में, अगर आपके पास 5 का पावर स्क्वायर है और 2 × 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर से गुना करता हूँ, तो देखो दोनों पावर अगर सेम है ना, तो 5 × 2 करो और पावरों को एक साथ लिख दो तो 10 का पावर 2 आ जाएगा, जो कि 100 के बराबर आ जाएगा। कितना बार गुना किया था, एक बार यहाँ 2 गुना किया था, फिर यहाँ पे जब आपके पास यहाँ 5 का पावर स्क्वायर में एक बार 2 गुना किया तो यहाँ पे 10 × 5 आया, दूसरी बार 2 गुना किया तो 100 आ गया था, है ना। तो आप देखोगे जितना नंबर में है, जितना हाईएस्ट पावर है 5 का, उतना पावर में अगर आप 2 को भी गुना कर देते हो तो ये नीचे आपका 0 आ जाएगा। अब नीचे 0 आने का एक मतलब क्या बनता है, मैं सिंपली बताता हूँ। अगर आपको ये बात पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सीख लो। देखो अगर आपके पास 3 × 5 ऊपर कोई नंबर मान लेते हैं, नीचे अगर 10 से आपको डिवाइड करना है, तो आप इसको क्या लिख देते हो, 3 × 2.5 लिखते हो, है ना। नीचे जितने 0 है उसके बाद एक पॉइंट लगा देते हो, क्यों, क्योंकि 3 × 5 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना तो सिंपली ये इतना ही आएगा। क्यों, देखो 10 से डिवाइड करने पर 3 टाइम में ये 30 आ जाएगा, नीचे 2 उतरेगा, है ना, नीचे 2 उतरेगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 2 टाइम में अगर जाएगा आपके पास तो ये 20 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 टाइम में ये 50 कट जाएगा, है ना। तो 3.25, अगर इसी को 3 × 5 के नीचे अगर 100 100 से डिवाइड करते हो तो 3.25 आएगा आपके पास, मतलब नीचे जितने 0 होंगे ना उतने ऊपर नंबर के बाद आपका पॉइंट लग जाता है। यहाँ पे 1 नंबर था तो 1 नंबर के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। तो वही चीज़ आपको करना है, यहाँ पे हम लोग 5 का पावर 5 जो है ना उसको 10 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 10 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ही है, मैंने अभी अभी बताया, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 का पावर 5 है, उसको 10 करने के लिए क्या कर सकते हैं, बोल देंगे इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अगर नीचे आप 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर पहले वाला नंबर आपका बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई किए। अब 2 का पावर 5 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये बात नहीं पता तो आप सिंपली निकाल लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार गुना करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, मतलब ये 32 होता है। अब 32 को आपको गुना करना है यहाँ पे जो भी नंबर आपके पास था, देखो 13 था तो 13 से गुना करना है, तो हम लोग 13 × 32 / ये दोनों, देखो पावर आपका सेम है तो ब्रैकेट में पावर लिख देंगे, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, इसका मतलब कि इक्वल टू 13, यहाँ पे गुना करोगे 32 से 13 को तो 416 आएगा, 416 आएगा, यार यहाँ पे 10 का पावर 5 आ जाएगा। अब देखो 10 का पावर 5 का मतलब है कि 5 पॉइंट के बाद आपको 0 लगाना है, यहाँ पे 3 गो है तो यहाँ पे और 2 को अगर 0 में पहले लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत की बात है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप सिंपली 2 को पहले 0 लिख दोगे उसके बाद पॉइंट लगा दोगे, हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको 416 जो है, नीचे 10 का पावर 5 है, मतलब कि यहाँ पे 5 को 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 5 को 0, 5 को के बाद 0 लगाना है, 2 पहले हम लोग 0 लिख देते हैं, 3 भी लिख सकते हो, 0 पहले कितना भी लिख सकते हो, 5 गिनो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 जीरो के बाद पॉइंट, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको इसका लिखना था डेसिमल एक्सप्रेशन, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 1/8, ये तो बहुत ईजी है, आसानी से इसे आप बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे 2 का पावर 3 आ जाएगा आपका 8 की जगह, और 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 करने के लिए, पावर आपका सेम है, इसका मतलब 10 का पावर 3 आ जाएगा। अगर 10 का पावर 3 आपके पास यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 0 1/10 कितना 3 गो लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1/10 और इसको 0.01 लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको,
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही है ना बातों को? चलिए बेहतर बात है, अब चलेंगे आगे और आगे के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको 1600 था, अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे आया था। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का पावर में लिख देंगे, 2 का पावर 6 और 5 का पावर स्क्वायर में आ गया, 2 में आ गया, यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, इसका मतलब यहाँ पे ये कैसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा जो 5 का पावर यहाँ 6 के साथ मैच करे। 2 का पावर 6 है, वो 5 का पावर यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ कितना 5 घट रहा है, 4 घट, 4 को 5 का पावर 4 यहाँ पे घट रहा है, अगर गुना कर देते हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 2 का पावर स्क्वायर और 2 का पावर 4, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, किसको, इसको 2 का पावर 6 को, 2 का पावर स्क्वायर, और यहाँ पे अब इस 2 को इसके साथ मैं 10 बना लूँगा, मगर इस 2 का पावर 4 को 10 बनाने के लिए मुझे 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 का पावर 4 से। अब इन दोनों को मिलाकर 10 बनाएंगे, इन दोनों को मिलाकर 10 बनाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास 2 का पावर 6 और 5 का पावर भी 6 ऐड करने पर आ जाएगा। तो सिंपली आप बोलोगे ऊपर आपके पास जो नीचे जो मल्टीप्लाई किया वो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, अब 5 का पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 625 आ गया, 15 को 625 से गुना करो, सिंपल है, और 2 × 5 करो, 10 का पावर 6 आ जाएगा और 9375 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको 6 को पॉइंट के बाद 0 करना है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, और 2 नंबर आपको यहाँ पे 2 को 0 देना होगा, और आपको सिंपली लिख देना होगा क्या 6 नंबर के बाद 0, तो क्या आ जाएगा 0.00935 आ जाएगा, है ना, सिंपल इसका ये आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना बातों को? जी बिल्कुल ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका क्या था, टर्मिनेटिंग में था। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये सिंपली आपके पास लिखा ही गया है, किसमें लिखा गया है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर स्क्वायर में है ऑलरेडी, इसका मतलब 3 है, यहाँ पे 1 5 अगर गुना कर देते हैं तो आसानी से हो जाएगा, ऊपर नीचे हमें 5 से गुना करना होगा, तो 23, 5 का पावर 1 ऊपर और नीचे भी गुना किया, तो ये क्या लिख सकते हो, 10 का पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है, और ये गुना करोगे तो 115 हो जाएगा, 3 गो के बाद पॉइंट तो 0.115 आ जाएगा आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 6/15, 6/15 को कैसे लिख सकते हो, आपने काटा था 6 को 2 × 3 में किया था, 15 को 3 × 5 में किया था, ऊपर नीचे 3 3 कट गया था, है ना, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था उस समय देखा था, 2/5 है। अब 2/5 को सिंपली ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, नीचे आपको 10 बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बनाना चाहते हो तो बना दो, नीचे ऊपर गुना कर दो, तो आपका 4/10 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे देखो, 2 और 2 कट जाएगा, 2/5 ऊपर 4 नीचे 10, 0.4 आंसर आ गया आपका, है ना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये आखिरी क्वेश्चन होगा शायद टर्मिनेटिंग का, 35 को आपने किसमें 7 × 5 में और 50 को 10 × 5 में तोड़ा था, ये 5 5 आपका कट गया था, तो 7/10 बचा था, अब नीचे 10 तो है ही, आप 0.7 आ जाएगा, है ना, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे 1.4 में, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है कि इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, रियल नंबर है, ठीक है, नीचे आपके पास कोई रियल नंबर है, अब ये डेसिमल एक्सप्रेशन में दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको इसको बताना है, क्या बताना है, कि वो रेशनल नंबर किस तरीके का रेशनल नंबर है वो आपको बताना है, P/Q के फॉर्म में भी आपको बताना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस, जितने भी केस आपको दिए गए हैं जैसे 1 2 3, दे आर ए रेशनल और नॉट, क्या ये रेशनल है या नहीं है आपको बताना है। रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बताया था टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग जो होता है मतलब एक पॉइंट के बाद फिक्स रुक जाता है, उसे टर्मिनेटिंग बोलते हो। उसके बाद आपका अगर रिपीटिंग नंबर भी आता है जैसे 0.3333 अगर आता है पॉइंट में आता जाता है, इसका मतलब 0.3 के ऊपर बार लगता है, इसको कैसे लिखते हो, 9 लिख देते हो, है ना, तो आसानी से इसको नीचे 9 लिख सकते हैं, 3/9, इसको काटोगे तो 1/3 ही आएगा, काट के देखो ना, 3 से कट जाएगा ना, 1/3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे फिर 0.3333 आएगा। ये कैसे आता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा ये सब के बारे में,
में भी आगे आने वाले वीडियो में। बहुत मैथ को मैं ईजी बना के आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपको बताना है, देखो अगर एक ही नंबर रिपीटिंग आ रहा है तो भी आपका रेशनल होगा, या 0.12345 आपका रिपीटिंग नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको मैंने रूट टू में बताया था तो वो तो इरेशनल था, 1.4115 इस तरीके का बहुत सारा नंबर आया था, पाई का वैल्यू कितना 3.1415 करके यहाँ पे चलता गया था। तो ये सब नंबर जो एक रिपीटिंग भी नहीं होता है, फिक्स नंबर का रिपीट नहीं होता है और ना ही वो सेम नंबर आ रहा है, मतलब एक डिफरेंट नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद, तो उसको आप इरेशनल नंबर बोलते हो। बाकी अगर आपका रिपीटिंग नंबर आता है तो आप उसे क्या बोल देते हो, रेशनल नंबर बोलते हो। फिक्स पॉइंट के बाद अगर इंड हो जाता है तो भी आप क्या बोलते हो, रेशनल नंबर बोलते हो। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है आपको देखिए, 43.12345678 9। अब इसके बाद कोई नंबर है क्या यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन बताया गया है कि यहाँ पे डॉट 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 करके लाइन है, मतलब आगे चलते जा रहा है, नहीं है। इसका मतलब इस नंबर को देखकर आपको पता चल रहा है कि एक फिक्स पॉइंट के बाद ये इंड हो गया है, यहीं पे ये इंड हो गया है, इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा है। मतलब ये डेसिमल एक्सप्रेशन में इंड पॉइंट है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर ऑलवेज आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर ऑलवेज आपका रेशनल नंबर होता है। तो आप इसे बोल सकते हो, सिंस द नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, इट इज़ ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q एंड q इज ए नॉट इक्वल, q जो है वो फॉर्म में है 2m × 5n के। देखो इसको आप अगर लिखते हो, मैंने बोला था 4.5 अगर आपके पास कोई नंबर रहता है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, अगर 4, 5, 6 आता है यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपके पास दो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे जितने नंबर है ना उसके उतना जीरो आ जाएगा, ठीक है, कितना 9 को जीरो आ जाएगा, 9 नंबर है, 1, 2, 3, 9, 1 से 9 तक 9, तो यहाँ पे 9 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 का जीरो आ गया, मतलब 10 का पावर 9, अब 10 का पावर 9 इसका मतलब 5 × 2 का पावर 9, इसका मतलब क्या 5 का पावर 9 × 2 का पावर 9 के फॉर्म में है ना ये वाला, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इसको क्या बोल दोगे आप, बोल दोगे इसको सिंपल है कि ये टर्मिनेटिंग है ना। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख कर बोला है आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है जो नंबर दिया है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, तो इसको आसानी से लास्ट में बोल दोगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ ए क्यू, नीचे जो आपके पास क्यू होता है वो आपका 2 × 5 के फॉर्म में है और दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, यहाँ पे देखोगे 120 फिर 12000, मतलब कि यहाँ पे 120 फिर 1200 है, फिर यहाँ पे 12000 है, फिर यहाँ पे उससे भी बड़ा नंबर है, जीरो आपका बढ़ गया, और उस तरह से चलता जा रहा है। क्या ये रिपीटिंग है, नहीं, पॉइंट पॉइंट चल रहा है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, एक नया नंबर आ जा रहा है। तो इसको क्या बोलोगे कि जो ये डेसिमल एक्सप्रेशन है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब कि सेम नंबर नहीं आ रहा है, देयर फॉर द गिवेन नंबर एन इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। रिकरिंग क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर आता है, जैसे कि 03 03 03, पॉइंट के बाद आपका यही नंबर अगर आते जाता तो आप बोलते कि ये रिकरिंग होता है ना, एक नंबर फिक्स, जैसे कि 123 पॉइंट के बाद 123 123 पॉइंट के बाद अगर आता जाता है यहाँ पे एक फिक्स नंबर, तो मगर यहाँ पे देख रहे हो 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है, फिर 12000 है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है जीरो इसका, तो ये आपका रिपीटिंग तो है नहीं, रिपीटिंग नहीं है मतलब रिकरिंग नहीं है, तो आप इसे इरेशनल नंबर बोल दोगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो फिक्स पॉइंट के बाद ना रिपीटिंग हो ना टर्मिनेटिंग हो, वो चलता ही जाए, एक नया नंबर आता ही जाए, जैसे कि रूट टू, जैसे कि रूट फाइव, जैसे कि पाई। आप जानते होंगे कि पाई का वैल्यू आप तो 22/7 लिखते हो, नहीं ये सही वैल्यू नहीं है उसका, ये माना गया वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स मतलब कि अनुमानित वैल्यू है कि इतना होता है, ठीक है, बस अप्रॉक्स उसको ले लिया गया है ताकि क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व किया जा सके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन आपको देखो ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इतना नंबर आपका रिपीट हो रहा है। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया था 0.3333 अगर आपके पास इस तरीके से आते जाता है तो 0.3 के ऊपर आप बार लगा दोगे, इसका मतलब आप सिंपली इसको क्या बोल दोगे, 3/9 बोल दोगे। बार को हटाते हो ना तो नीचे 9 आ जाता है, ये 1/3 को डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका। अब सिंपली इसको 1/9 को भी अगर आप तोड़ते हो तो इसको 3/3 × 3 में तोड़ सकते हो, ये 3 आपका कट जाएगा तो आपके पास 1/3 बच जाएगा, है ना, ये सिंपली इसका बच जाएगा। तो वही है 43.12345678 9, फिर इसका सेम नंबर यहाँ पे 123
4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आपका आता चला जाएगा, यहाँ पे आता चला जाएगा, ये आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंस द डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, चलता जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे इसको, द गिवन नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि ये तो चलता जा रहा है, मैंने बोला था ना कि 0.333 अगर कोई अगर रिकरिंग है तो ये इसको आप 3/9 मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, पी बाई क्यू के रूप में अगर आप लिख सकते हो तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये नीचे आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 का पावर m × 5 का पावर m के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में m लिख सकते हो या दोनों में अलग अलग अगर पावर आएगा तो n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट में आप लिख सकते हो द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू नीचे होता है, विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 होता है आपके पास अदर देन, तो आप उसको क्या बोल देते हो, उसको आप टर्मिनेटिंग नहीं बोलते हो, मतलब कि फिक्स वैल्यू 2 और 5 के अलावा अगर कोई आता है तो ये पॉइंट चलता जाता है, चलता जाता है। तो ये क्यू जो है नॉट है, मतलब नहीं है 2m और 5n के रूप में यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर ज़रूर होगा, इस वजह से ये चलता जा रहा है, तो ये एक और नंबर ज़रूर है, चलता जा रहा है, तो बस हो गया ना आपका, ये सिंपली क्या हो गया जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला होगा, एग्जाम में कैसा लिखना है ये आपको पता चला होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, लाइक करना ज़रूरी है अगर आप कर सकते हो तो। अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है तो आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जॉब टॉपिक के साथ, अच्छे से पढ़ेंगे। आपको कौन सा चैप्टर परेशान कर रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आसानी से मैं उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।